दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस कावासाकी बॉक्सर जो 2004 मॉडल है इसका आज मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूं। तो देखते हैं इसका माइलेज कितना निकल के आता है। अगर आपके पास भी है तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बाइक कितना का माइलेज दे रहा है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू आप सभी को अपनी चैनल बीके ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। और ये मेरा माइलेज का फर्स्ट वीडियो है। अगर इस तरह का माइलेज का वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 ml पेट्रोल निकाल लिया हूँ, इसको नापी से रख लिया हूँ और इसको मैं बाइक में डालूँगा और देखूँगा कि कितना दूर तक ये जाता है। अभी फ़िलहाल कुछ मेरा जो है पेट्रोल कार्बोरेटर में है तो उसको पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो खड़ा है शायद कार्बोरेटर में तेल है, इसको पहले खत्म करते हैं। तो इसका कार्बोरेटर का तेल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना चला रहे हैं ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपना बाइक का माइलेज सेटिंग करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा किस तरीके से माइलेज सेटिंग किया जाता है। तो यहाँ जो कार्बोरेटर में तेल था वो ख़त्म हो गया है, आपको दिखा देते हैं टंकी कार्बोरेटर 3-4 तक चक्कर काटे। यहाँ काफ़ी सारा राउंडिंग मारे, यहाँ पे तेल पूरा ख़त्म हो गया है और स्टार्ट भी करके आपको दिखा देते हैं। तो कहिएगा कि पेट्रोल यहाँ पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया है और जो 100 ml निकाले हैं वो वाला डालेंगे और देखते हैं कि इसका किलोमीटर कितना निकलता है।
बाइक जो है पूरी तरह बंद हो गया, और जो 100 ml हम लोग पेट्रोल डाले थे तो एक दूरी हम लोग तय किए 1 किलोमीटर का, और उसमें राउंडिंग मारे हैं। तो अभी तक जो राउंडिंग मारे 9 राउंड किए हैं 100 ml में, तो उसको 9 से 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका किलोमीटर निकल जाएगा, यानी कि 90 का माइलेज। गाइज विश्वास नहीं होता है कि बाइक इतना ज़्यादा माइलेज देगा, तो पर इसका माइलेज जो है मैंने खुद सेटिंग किया तब जाके इतना माइलेज निकल रहा है, वो भी ख़राब रास्ता में। तो गाइज बहुत ही अच्छा माइलेज दिया बाइक, काफ़ी पुराना है, 2004 मॉडल है, फिर भी ये 90 का माइलेज दे रहा है। अगर हम 10 माइनस भी कर देते हैं फिर भी 80 का माइलेज ही देगा ही देगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।